छब्बीस जून से जम्मू काश्मीर से हम लोग परिवर्तन यात्रा निकाले हैं और 13 दिसंबर को ये परिवर्तन यात्रा तेलंगाना हैदराबाद में पहुंचेगी लगभग 6 महीने। उसके बाद बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, 14 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक यात्रा स्थगित रहेगी, फिर 1 जनवरी 2020 से यह परिवर्तन यात्रा साउथ इंडिया में कर्नाटका से शुरू होकर आंध्र प्रदेश जाएगी, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, तमिलनाडु से केरला और केरला से कन्याकुमारी पहुंचेगी। कन्याकुमारी में इस कार्यक्रम का समापन होगा। कन्याकुमारी के बाद में भारत की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, तो और आगे थोड़ा सा हम जाने की सोचते। साथियों, ये जो परिवर्तन यात्रा हम लोगों ने निकाली है, ऐसी कोई परिवर्तन यात्रा आज तक आजाद भारत में किसी पिछड़े वर्ग के लोगों ने नहीं निकाली, ना कोई पिछड़े वर्ग के लोग इस तरह की परिवर्तन यात्रा निकाल सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं, ऐसी कोई परिवर्तन यात्रा इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि उनके पास इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं है। जब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी तो वामसेफ संगठन का 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसेफ संगठन था। अब वो संगठन 31 राज्यों में 542 जिलों में 3500 तहसीलों में 22000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गांवों में फैला हुआ है। पिछले साल 21 करोड़ रुपया हमने अपने समाज से लोगों से पैसा इकट्ठा किया, निधि इकट्ठा किया और इस निधि का उपयोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने के लिए खर्चा किया। तो इतना बड़ा संगठन बना हुआ है, इस वजह से इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा हमने निकाली। दूसरे लोगों के पास इतना बड़ा संगठन नहीं है और लगभग 5 करोड़ रुपया इस परिवर्तन यात्रा को खर्चा होने वाला है। इतना खर्चा करने की भी हमारे लोगों की कोई औकात नहीं है, इस वजह से उन लोगों के द्वारा ऐसा कोई परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम इसके पहले नहीं निकाला गया। हम लोगों ने निकाला, उसकी वजह यह है कि हमारे पास इतना बड़ा विशाल संगठन बना हुआ है। साथियों, ये जो परिवर्तन यात्रा है इसके दो मकसद है। पहला मकसद ये है कि इस देश में जब अंग्रेज आए थे तो वो लंदन से आए थे, इंग्लैंड से आए थे, और अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने यहां आकर हमारे यहां के लोगों को दो हिस्सों में बांटा, हिंदू और मुसलमान। मगर अंग्रेजों के आने के 2500-3000 साल पहले ब्राह्मण भारत में आए यूरेशिया से, जो रशिया के पास में काला सागर है, वहां उसकी मोजी नाम का एरिया है यूरेशिया का, वहां से ब्राह्मण भारत में आए और विदेश से ब्राह्मण भारत में आए जैसे अंग्रेज आए थे, और ब्राह्मणों ने यहां के मूल निवासियों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। 1700 जातियां चरुलकास की है, 800 से ज्यादा जातियां आदिवासियों की है, 3743 जातियां पिछड़े वर्ग ओबीसी की है। तो लगभग 6000 जाति के टुकड़े ब्राह्मणों ने किए, हम लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने बांटा। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान दो टुकड़ों में बांटा, ब्राह्मणों ने 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। अगर कोई मुझे पूछे कि अंग्रेज ज्यादा खतरनाक थे या ब्राह्मण ज्यादा खतरनाक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान में बांटा था दो टुकड़ों में, अगर 2 से 6000 का भागाकार कर लो तो आंकड़ा निकलता है 3000। तो ब्राह्मण 3000 गुना ज्यादा अंग्रेजों से खतरनाक है, 3000 गुना।
गणित के आधार पर आप भी इसे प्रूव कर सकते हैं, आपको प्रयोग करके समझा रहा हूं। तो ब्राह्मण अंग्रेजों से 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है और विदेशी है। हम ब्राह्मण ब्राह्मण जाति का इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि अंग्रेजों की तरह ब्राह्मण भी विदेशी है। कुछ लोगों ने मुझे पूछा, मिश्राम जी आप ब्राह्मणों का विरोध क्यों करते हैं? तो मैंने पूछा, आपके सवालों का जवाब दूंगा, मेरा एक छोटा सवाल है उसका जवाब दो। उन्होंने कहा कि पूछो। मैंने उनको कहा, गांधी जी ने अंग्रेजों का विरोध क्यों किया था? बाकी वो विदेशी थे इसलिए विरोध किया था। तो मैंने भी उनको कहा, हम ब्राह्मणों का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण भी अंग्रेजों की तरह विदेशी है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। अगर गांधी जी गलत नहीं थे तो वामन मेश्राम गलत कैसे? अगर गांधी जी गलत नहीं थे तो वामन मेश्राम भी गलत नहीं है, वामन मेश्राम को भी गलत नहीं कहा जा सकता। इसलिए साथियों कि ब्राह्मणों ने हमें 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, हम बटे हुए लोग नहीं है, हम बांटे हुए लोग हैं, ब्राह्मणों के द्वारा बांटे हुए लोग हैं। इसलिए हमें बांटे हुए लोगों को जगाना होगा और जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा, जोड़े हुए लोगों से शक्ति का निर्माण करना होगा और निर्मित शक्ति का उपयोग मुक्ति के लिए, आजादी के लिए करना होगा। ये पहला मकसद है इस परिवर्तन यात्रा का, इस आंदोलन का पहला मकसद है कि इन्होंने हमें गुलाम बनाकर रखा, हमारी लड़ाई आजादी के लिए है। दूसरी लड़ाई, दूसरा हमारा मकसद ये है कि अभी 2004 से ईवीएम मशीन से चुनाव करवाए जा रहे हैं और ईवीएम मशीन वोटों की चोरी कर रही है, 130 करोड़ लोगों के वोटों की चोरी कर रही है। जिसके पास पैसा नहीं होता है वो पैसे की चोरी करता है, जिसके पास वोट नहीं होते हैं वो वोटों की चोरी करता है। जैसे ब्राह्मण की संख्या 3.5% है, 3.5% ब्राह्मण अगर ईमानदारी से भारत में चुनाव करवाए जाए तो गांव का पंच नहीं चुनवा सकता, यह 3.5% से सरपंच बनाने का सवाल नहीं। इसलिए ब्राह्मण बेईमानी से चुनाव जीतना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने ईवीएम मशीन लाई और उस ईवीएम मशीन के द्वारा हमारे वोटों पर डाका डलवाया जा रहा है, चोरी करवाई जा रही है। इसलिए ईवीएम मशीन का भंडाफोड़ करने के लिए, पर्दाफाश करने के लिए ये परिवर्तन यात्रा निकाली गई है, ये दूसरा मकसद है। इसलिए मैं ईवीएम मशीन के बारे में आपको जानकारी बताना चाहता हूं, इसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज की स्थिति में, आज के हालात में, आज की परिस्थिति में इसके बारे में सबसे ज्यादा जानकार होना बहुत जरूरी है। साथियों, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया और ये जो फैसला ईवीएम मशीन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब है मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर का मतलब है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए अगर ये बड़े बड़े शब्द आपको समझने के लिए दिक्कत होगी, इसलिए मैं तीनों शब्दों का एक शब्द बताना चाहता हूं ताकि सुप्रीम कोर्ट जो कहना चाहता है वो आपको समझ में आ जाए। उसका अर्थ यह है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ईवीएम मशीन ईमानदारी से चुनाव नहीं करवा सकती, एक शब्द में अगर कहा जाए। उसका दूसरा अर्थ यह है कि ईवीएम मशीन बेईमानी से चुनाव करवाएगी। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को कहा। साथियों, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे। उनका कहना था 2004 और 2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। कांग्रेस ने
ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। अगर कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता तो वो केस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो अभी बीजेपी के सांसद है वो सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा ईवीएम मशीन में चार बड़े फॉल्ट है, ईवीएम मशीन में चार बड़े फॉल्ट है। क्या चार फॉल्ट है? पहले नंबर का फॉल्ट, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जब वोटर्स मतदाता ईवीएम में वोट डालने के लिए जाता है तो बटन दबाता है, लाइट जलता है, बीप का आवाज होता है, आवाज होने के बाद में वोटर्स को अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता वोट किसके नाम पर जमा हो गया। साथियों, मैं आपको उदाहरण देकर के समझाता हूं। ईवीएम मशीन आने के पहले बैलेट पेपर था, तो जब आप वोट डालने के लिए जाते थे तो चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको कागज की स्लिप देते थे। कागज की स्लिप देने के बाद आप देखते थे आपने जिसको वोट डालने का मन बनाया उसका चुनाव निशान कहां है देखते थे, और देखने के बाद जब आपको दिखाई देता था तो मोहर उठाते थे। मोहर उठाकर आप अगर देखते थे इंक लगी हुई है, स्याही लगी है कि नहीं लगी हुई, अगर नहीं लगी है तो उसको स्याही लगाते थे, और लगाने के बाद में जहां आप वोट देना चाहते हैं उस चुनाव निशान पर मोहर लगाते थे, और मोहर लगने के बाद फिर दोबारा दो आंखों से देखते थे। अगर दो आंख है, एक आंख है तो एक से देखते थे, दो है तो दो से देखते थे। तो कागज का वोट जब आप डालते थे, मोहर लगाते थे, तो दोनों आंखों से, एक है तो एक से देखते थे, और देखने के बाद आपको तसल्ली हो जाती थी कि मैंने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है उसी कैंडिडेट के नाम पर मेरा वोट का निशान लग गया है। और लगने के बाद फोल्ड करते थे, और फोल्ड करने के बाद में बैलेट बॉक्स में आप डालते थे, और जब डालने के दौरान अटक जाता था तो आप कोशिश करके उसमें डालते थे कि आपका वोट उसी कैंडिडेट के नाम पर जमा होना चाहिए जिसके नाम पर आपने डाला। ये क्या कागज के वोट में ऐसा होता था। ईवीएम मशीन में क्या होता है, आप जाते हो, बटन दबाते हो, लाइट जलता है, बीप का आवाज होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता कि आपका वोट कहां जमा हो गया है। कागज में दिखाई देता था, ईवीएम मशीन में कागज में दिखाई, ईवीएम मशीन में दिखाई नहीं देता कि आपका वोट जमा हुआ तो कहां। अनाड़ी आदमी कभी कभी जब ईवीएम पर वोट डालने के लिए जाता था उसको तो आंखों से देखने की आदत पड़ी थी, उसको जब दिखाई नहीं देता था अनाड़ी आदमी वोट कहां गया भाई, अनाड़ी आदमी ये सोचता था ये साला ये वोट कहां गया भाई, ये तो देखता था इधर। तो कर्मचारी आते, बाबा हो गया है। अच्छा हो गया है, हाँ हो गया, कहां से आए थे, हाँ इधर से, इधर जा। उसको कर्मचारी बोल इधर से, हाँ इधर जा। तो वो सोचते सोचते जाता था ये साला चुनाव आयोग ने चुनाव तो नहीं लगाया मेरे वोट को। वो सोचते सोचते जाता था, हजारों लाखों करोड़ लोगों ने सोचा और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वोटर्स को आंखों से दिखाई नहीं देता ये पहले नंबर का फॉल्ट है, बैलेट पेपर में दिखाई देता था इसलिए चोरी नहीं हो सकती थी, इधर वोटो आंखों से दिखाई नहीं देता इसलिए मशीन के अंदर जाने के बाद वो किसके नाम पर जमा होता है किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि मशीन के अंदर ही अंदर दूसरे के नाम पर चला जाता है, और चुनाव आयोग मशीन को किसी को हाथ नहीं लगाने देता, अगर किसी ने लगाने की कोशिश की तो उसके ऊपर चोरी का एफआईआर दाखिल कर देता है। ये सारा चुनाव आयोग के नियंत्रण में है और चुनाव आयोग के निगरानी में चोरी हो रही है। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये पहले नंबर का फॉल्ट है, पहले नंबर का दोष है। दूसरे नंबर का फॉल्ट यह है कि वोट डालने के बाद
वोटर्स का फिजिकल इविडेंस नहीं होता है, भौतिक सबूत नहीं होता है। जैसे बैलेट पेपर में आपने मुहर लगाया, फिर फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद बैलेट बॉक्स में जा रहा, डालने के बाद एक कागज का इविडेंस, भौतिक इविडेंस 6 महीने तक चुनाव आयोग के पास रिजर्व रहता था, 6 महीने तक कानून के अनुसार, कानून के अनुसार 6 महीने तक फिजिकल इविडेंस रहता था, मगर ईवीएम मशीन में कोई फिजिकल इविडेंस नहीं होता है। आपको समझाता हूं ताकि आप पता चले। आपने पंजे पर मोहर लगाया, मोहर लगी है पंजे पर, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, उदाहरण के तौर आपने पंजे पर मोहर लगाया, मोहर लगी है पंजे पर, तो कमल के फूल पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? पंजे पर लगी है। अगर मोहर पंजे पर लगी है तो कमल के फूल पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में इलेक्ट्रॉनिक डाटा होता है, मोहर नहीं होता है। यह केवल संख्या होती है। मान लो एक आदमी ने पहले वोट डाला और वो वोट कमल के फूल पर डाला, बाद का आदमी आया उसने पंजे पर डाला, तो ये मोहर लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक में मोहर नहीं होती है, संख्या होती है। अंदर जाने के बाद कमल के फूल के संख्या में पंजे की संख्या मिल जाती है, क्योंकि फिजिकल एविडेंस नहीं है। गिनती कमल के फूल की एक होनी चाहिए थी और पंजे की एक होनी चाहिए थी, मगर यह केवल संख्या है। यह कांग्रेस की संख्या बीजेपी में जाकर 2 हो जाती है कमल का फूल, और कांग्रेस का 1 होना चाहिए 0 हो जाता। 2-3 महीने में, दिसंबर महीने में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई और 2-3 महीने में फिर सारी बीजेपी हो गई। साला बड़ा अजीब किस्म की बात है, इतने कम समय में लोगों ने अपना मन कैसे बदला। तो ये सारा खेल जो है, ये सारा ईवीएम का चमत्कार है, सारा खेल है, इस खेल को समझने की जरूरत है। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, ये दूसरा एविडेंस है, ईवीएम में जाने के बाद मशीन में दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है, वोट हस्तांतरित हो जाता है, और क्योंकि मशीन के अंदर ही अंदर जाता है इसलिए बाहर वालों को कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि हम तो बाहर है, बाहर वालों को कुछ पता चलता नहीं है, बाहर वालों को हाथ लगाने की भी इजाजत नहीं है, और हम लोग केवल देखते रह जाते हैं, हम केवल तमाशाई हो गए हैं। ये दूसरे नंबर का एविडेंस है। तीसरे नंबर का एविडेंस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा, क्योंकि ईवीएम मशीन में फिजिकल एविडेंस नहीं होता है, इसलिए इसका कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। एविडेंस ही नहीं है, फिजिकल एविडेंस नहीं है, भौतिक सबूत नहीं है, इसलिए भौतिक सत्यापन नहीं हो सकता। कैसे? जैसे पहले बैलेट पेपर में जब कोई कैंडिडेट हार जाता था, हारने के बाद हारा हुआ कैंडिडेट क्या कहता था, मुझे रिजल्ट मंजूर नहीं है, दोबारा गिनती किया जाए। दोबारा गिनती होती थी, दोबारा गिनती करने का नियम है, कानून है। क्या कानून है? दोबारा गिनती करने के लिए जो गट्ठे वोटिंग के बांधे जाते थे 25-25 के कागज के वोट के गट्ठे बांधे जाते थे, दोबारा खोले जाते थे। खोलने के बाद में एक एक वोट देखा जाता था, किसका है पंजे का है अलग रखो, किसका है कमल के फूल का अलग रखो, किसका है झाड़ू वाले का झाड़ू वाले का अलग रखो, अब किसका है हाथी वाले का हाथी वाले का अलग रखो, अच्छा किसका है कैमल का है ऊंट वाला, अच्छा ऊंट वाला अलग रखो। तो ये गट्ठे खोले जाते थे और एक एक करके दोबारा देखकर अलग अलग रखकर फिर से गिनती की जाती थी, और जब गिनती की जाती थी तो इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन और हिंदी में कहते हैं भौतिक सत्यापन।
फिर से गिनती करने के लिए यह नियम है, कानून है, और इसके बगैर दोबारा गिनती नहीं हो सकती। फिजिकल वेरिफिकेशन की व्यवस्था ईवीएम मशीन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिजिकल एविडेंस नहीं है। फिजिकल एविडेंस नहीं है इसलिए फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। ये तीसरा फॉल्ट है, ऐसा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा। चौथा फॉल्ट यह है, उन्होंने कहा कि फिर से गिनती करने की पूर्व शर्त है फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन के बगैर दोबारा गिनती नहीं हो सकती, तो ईवीएम मशीन में फिर से गिनती करने की व्यवस्था ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है जानते हो? फिर से गिनती करने की अगर व्यवस्था ईवीएम में हो गई होती तो फिर तो चोरी पकड़ी गई होती। अगर फिर से गिनती करने की व्यवस्था ईवीएम मशीन में कर दी गई होती तो फिर तो चोरी पकड़ी गई होती। इसलिए चोर ने मशीन बनाते वक्त खबरदारी ली कि यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या हुआ देखो, चुनाव आयोग क्या कहता है। चुनाव आयोग कहता है कि ये जो कागज का जो वोटिंग था ना, ये बैकवर्ड सिस्टम है, और ये ईवीएम मशीन जो है ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। कहता है चलो, बड़ा अजीब किस्म का मामला है। कागज के वोट में आंखों से दिखाई देता था और एडवांस टेक्नोलॉजी में आंखों से दिखाई नहीं देता। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी में आंखों से दिखाई देता था, एडवांस टेक्नोलॉजी में आंखों से दिखाई नहीं देता। और चुनाव आयोग कहता है ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। अजीब किस्म का मामला है। अभी बैकवर्ड में आंखों से दिखाई देता है और तेरे एडवांस में आंखों से दिखाई नहीं देता साले। ये काय का एडवांस है भे? ये लोगों बनाने का काम कर रहे, ये काय का एडवांस है? अभी बैकवर्ड में देव दिखाई देता है, तेरे एडवांस में दिखाई नहीं दे रहा है साले, एडवांस कह रहा है। ये तो बैकवर्ड से भी बैकवर्ड है, ये काय का एडवांस है? तो ये चार प्रकार के फॉल्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को कहा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को लगा तो बहुत गंभीर मामला है, ये तो बहुत सीरियस बात है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोटिस इश्यू किया चुनाव आयोग के विरुद्ध और कहा ईवीएम मशीन में चार फॉल्ट है, ऐसा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है। जवाब दो। चुनाव आयोग को मालूम था ये मशीन तो चोरी करने के लिए बनाया हुआ है। चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग को पहले से मालूम था कि ये मशीन तो चोरी करने के लिए बनाई हुई है, इसलिए चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी के घर में शादी होती है या किसी के घर में कोई कार्यक्रम होता है तो मार्केट में जाता है और दुकानदार को आदेश देता है, दुकानदार को ऑर्डर देता है, 4 किलो पकौड़ी चाहिए। दुकानदार बोलता है हमारे दुकान में पनीर की पकौड़ी बनती है, पालक की पकौड़ी बनती है, प्याज की पकौड़ी बनती है, आलू और गोभी की पकौड़ी बनती है, आपको कौन सी पकौड़ी चाहिए? तो जो ऑर्डर देने वाला आदमी है वो ऑर्डर देता है मुझे पनीर की पकौड़ी चाहिए 4 किलो। तो दुकानदार जो ऑर्डर दिया जाता है वही बनाकर देता है। ईवीएम मशीन बनाने वाले कांग्रेस ने, चुनाव आयोग ने ऑर्डर दिया फैक्ट्री वालों को। क्या ऑर्डर दिया? भैया चोरी करने वाली चाहिए। थोड़ा सा हम लोग धीरे बोल रहे हैं, कोई सुन ना ले इसलिए धीरे बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना, आप भी किसी को मत बोलना चोरी करने वाली मशीन चाहिए। बल्कि 130 करोड़ लोगों के वोटों की चोरी करनी है तो आप कह सकते हैं कि डाका डालने वाली चाहिए। पैसा ज्यादा लगा लेना चोरी का मामला है, पैसा ज्यादा लगा लेना, मगर चोरी करने वाली चाहिए, डाका डालने वाली मशीन चाहिए। अब जैसा पकौड़ी का ऑर्डर दिया गया वही पकौड़ी बनी,
चोरी करने का ऑर्डर मशीन को, भैया ऐसी मशीन चाहिए, जैसी मशीन बनाने का ऑर्डर दोगे वैसी मशीन बनेगी। तो चोरी करने वाली मशीन बनाई तो चुनाव आयोग को पहले से मालूम था, तो इसका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कोई जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया ईवीएम में फॉल्ट है, ईवीएम में फॉल्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार करने के बाद चुनाव आयोग ने स्वीकार किया और कहा, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को कहा, क्या कहा, डॉक्टर साहब ये ईवीएम मशीन हम चुनाव में रखना चाहते हैं, आपके पास ईवीएम मशीन का जो दोष है, जो फॉल्ट है, वो हटाने के लिए, खत्म करने के लिए कोई सुझाव है? है। क्या सुझाव है? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा कि ईवीएम मशीन आने के पहले हमारे देश में एटीएम मशीन थी, एटीएम मशीन, एटीएम मशीन में जब बैंक का कस्टमर जाता था, पैसे निकालता था तो रसीद आती थी, रसीद में लिखा होता था 2 तारीख को 12:13, 14 सेकंड को 5,000 रुपया आपने निकाला, आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपया था, 95,000 आपके अकाउंट में बकाया राशि बाकी है। एक रसीद छपकरा दी मशीन से, उसने काटा, देखा, हाँ ईमानदार है मशीन, ईमानदार है, ग्राहक कस्टमर को लगा ये मशीन ईमानदार है, सही काम कर रही है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने चीफ जस्टिस को कहा, जज साहब जिस तरह से ग्राहक को ये रसीद मिल रही है उसी तरह से ईवीएम मशीन बाद में आई, अगर बाद में आई तो एटीएम की टेक्नोलॉजी ईवीएम में क्यों नहीं लगाई? अगर एटीएम ईवीएम मशीन में वोटर्स वोट डालने के लिए जाता है तो वोटर्स को रसीद क्यों नहीं दी जाती है कि उसने किसको वोट डाला, ये रसीद क्यों नहीं दी जाती है? निकाय साहब तो बराबर बोल रहा है, ये तो सारी बात तो बराबर है, जज को लगाए तो सारी बात तो बराबर है। और एटीएम पहले था, ईवीएम बाद में आया, तो एटीएम की टेक्नोलॉजी भारत में ही उपलब्ध है, अमेरिका से लाने की जरूरत नहीं है, जर्मनी से लाने की जरूरत नहीं है, जापान से लाने की जरूरत नहीं है, इधर ही सारा कुछ है, तो ये टेक्नोलॉजी उन्होंने ईवीएम में क्यों नहीं लगाई? सुप्रीम कोर्ट के जज ने आदेश दिया चुनाव आयोग को एटीएम मशीन की टेक्नोलॉजी का ईवीएम मशीन के दोषों को दूर करने के लिए उपयोग किया जाए और मशीन बनाया जाए, ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सारा लिखित ऑर्डर है दिया। ऑर्डर देने के बाद चुनाव आयोग ने मशीन बनाई, मशीन का नागालैंड में प्रयोग किया, प्रयोग सफल हो गया, सफल होने का रिपोर्ट तैयार किया, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट पढ़ा और चुनाव आयोग को पूछा, ठीक है, हाँ ठीक है, लिखित रिपोर्ट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि हाँ, मशीन का नाम रखा वीवीपीएटी, वीवीपैट। तो वीवीपैट में ईवीएम मशीन में 4 फॉल्ट थे, वीवीपैट में 4 फॉल्ट दुरुस्त कर दिए गए। वो कैसे? जैसे अब आप वोट डालने के लिए जाते हो, पेपर ट्रेल मशीन लगा हुआ है, वीवीपैट लगा हुआ। अच्छा वीवीपैट किसने लगाया पता है? 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया वीवीपैट लगाने का, 2014 में नहीं लगाया। क्यों नहीं लगा जानते हो? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने, आरएसएस ने कहा कि तुम राज्यसभा की सदस्यता ले लो, चुप हो जाओ, बोलो मत। ईवीएल नरसिंह राव को कहा कि तुम भी राज्यसभा की सीट ले लो, तुम भी चुप हो जाओ, बोलो मत। जिस चीफ जस्टिस ने फैसला दिया उसको कहा तुम जरा बड़े हो, राज्यसभा से तुम्हारा मामला ठीक नहीं होगा तो छोटा मामला पड़ेगा, तो तुम्हारे लिए गवर्नर ही दे देते हैं, जो तुम केरला का गवर्नर बन जाओ। जिस दिन चीफ जस्टिस पी सदाशिवम रिटायर हो गए,
उनको उसी शाम को ऑर्डर दिया आप केरला के गवर्नर, उसको केरला का गवर्नर हो गया। तो जो जानकार लोग थे ईवीएम में घोटाला होता है उन सभी लोगों को कुछ न कुछ देकर चुप कराया गया, और चुप करने की वजह से आपको पता ही नहीं चला कि इस तरह का घोटाला होता है, किसी ने बताया नहीं। अगर इनको चुप नहीं कराया गया होता तो वो लोग आप लोगों को आकर बताते, आपको जानकारी होती। इन सब लोगों को चुप कराया गया। जब ये लोग चुप हो गए 2014 के चुनाव में, तो मैंने नरेंद्र मोदी को 2014 के कार्यक्रम में मैंने कहा जून महीने में कि मोदी जी आप घोटाला करके प्रधानमंत्री बने हुए हो, आप ईमानदारी से प्रधानमंत्री नहीं बने हुए हो, घोटाले से बने हुए हो, और अब आप प्रधानमंत्री बन चुके हो। प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर होता है, और मैं कह रहा हूं आप घोटाले से प्रधानमंत्री बन चुके हो, तुमको बहुत बुरा लगा होगा जब मैं ऐसा कहूंगा, तो तुम मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल कर लेना। प्रधानमंत्री हो, तुमको डायरेक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है, पुलिस वालों को बता दो मामला, वामन मेश्राम के खिलाफ एफआईआर हो जाएगा। आज तक नहीं किया। क्यों? मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्री इविडेंस है, नरेंद्र मोदी को भी मालूम है, देश में एक ही आदमी के पास इविडेंस है घोटाले होने के, बाकी किसी के पास है ही। नरेंद्र मोदी ने मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दाखिल नहीं किया, मैंने ही किया। नरेंद्र मोदी का जो पीएमओ है उस पर मैंने केस किया, चुनाव आयोग के ऊपर मैंने केस किया, 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, और 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में निर्णय दिया और कहा 3567 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए देने का आदेश दिया। तो मेरे केस में 3567 करोड़ रुपया पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए नरेंद्र मोदी को आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने दिया। बहुत अकड़ू प्रधानमंत्री है, मगर उसकी अकड़ को हमने थोड़ा सा ठंडा किया, उसकी अकड़ जो है तो ठिकाना लगाया वो, और 3567 करोड़ रुपए को देना पड़ा हमारे केस में, और चुनाव आयोग को आदेश दिया 2019 के चुनाव में हर लोकसभा में हर ईवीएम के ऊपर पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। ये मैंने 24 अप्रैल 2017 को केस जीता और फिर लगाया। हमको किसी ने राज्यसभा का ऑफर नहीं दिया, हमको किसी ने गवर्नर बनाने का आदेश नहीं दिया। अगर दिया होता तो गवर्नरी पर हम खड़े खड़े मूत देते, खड़े खड़े मूत देते, क्योंकि लोग ज्यादातर सभ्य लोग जो है बैठकर मूतते हैं, हम बदमाशों पर खड़े खड़े मूतते हैं, क्योंकि बदमाश जैसा होगा उसके हिसाब से करना पड़ता है। साथियों, इसलिए ऐसे बोल रहा हूं क्योंकि जैसे लोग होते हैं उनको वैसी भाषा बोलनी पड़ती है, तब समझ में आता है। साथियों, और इस तरह से हमें किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया, और हमें चुप कराने की किसी की कोई औकात नहीं है। ब्राह्मण तो बहुत छोटी चीज है, उनका जो ब्रह्मा है वो भी, उसका भी हमें कोई डर नहीं लगता। साथियों, इस तरह से 2019 के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश हुआ, और इस तरह से दो मशीन हो गई, एक ईवीएम मशीन, एक पेपर ट्रेल मशीन। ईवीएम मशीन में पहले भी फॉल्ट था, आज भी फॉल्ट है, पेपर ट्रेल मशीन दुरुस्त है। वो कैसे? जैसे आप वोट डालने के लिए जाते हो, अब पेपर ट्रेल लगने के बाद वोट डालने के लिए गए, तो पेपर ट्रेल मशीन के डिस्प्ले बोर्ड पर बटन दबाते ही डिस्प्ले बोर्ड पर मोहर लगाया हुआ कागज आता है और आंखों से दिखाई देता है। वो रसीद जो एटीएम देती थी, वो रसीद यहां दी नहीं जाती, आंखों से देखने के लिए कहा गया है, तसल्ली करने के लिए कहा गया है। क्यों? क्योंकि अगर रसीद दी गई होती, मान लो मोडाराम होता है ना, इधर राजस्थान में मोडाराम होता है, हाँ, तो मोडाराम को अगर मान लो रसीद दी गई होती,
तो चौधरी साहब मोड़ा राम के घर में आ गए। अब चौधरी साहब उसको बोलते मोड़ा राम किसको वोट दिया, तो मोड़ा राम चौधरी साहब को कहता आप ही को दिया चौधरी साहब। अच्छा मेरे को दिया, हाँ बता वो कागज बता, रसीद वाला कागज बता। नहीं वो गुम हो गया दिखने, साले तेरे को चार डंडे लगाऊंगा तो पता चलेगा है रसीद गुम हो गई। रसीद कैसे गुम हो गई, तो चुनाव आयोग ने सोचा रसीद देंगे तो चौधरी साहब डंडा लगाएंगे, इसलिए रसीद देने के बजाय नियम बनाया कि आंखों से देखने को मिलेगा मगर रसीद नहीं मिलेगी, तसल्ली करना है कि उसका वोट उसी कैंडिडेट के नाम पर जमा हो गया है, तो मोहर लगा हुआ कागज डिस्प्ले बोर्ड पर दिखना चाहिए, दिखना शुरू हो गया। ईवीएम मशीन में दिखता नहीं था, पेपर ट्रेल में दिखना शुरू हो गया, पहला फॉल्ट दुरुस्त हो गया पेपर ट्रेल। दूसरा फॉल्ट फिजिकल इविडेंस नहीं होता था, वो कागज का टुकड़ा जो मोहर लगा हुआ है बैलेट बॉक्स में गिर जाता है, फिजिकल इविडेंस है, दूसरा फॉल्ट दुरुस्त हो गया। फिजिकल इविडेंस रहता है इसलिए फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है, तीसरा फॉल्ट दुरुस्त हो गया। फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है तो रिकाउंटिंग हो सकती है, चौथा फॉल्ट भी दुरुस्त हो गया। ईवीएम मशीन में पहले भी फॉल्ट था, आज भी फॉल्ट है, पेपर ट्रेल मशीन दुरुस्त मशीन है। चुनाव आयोग ने 2019 में क्या किया, जो फॉल्टी मशीन थी उसी में आपको वोट डलवाया। चुनाव आयोग ने क्या करवाया आप लोगों को कि जो मशीन ईवीएम फॉल्टी थी उसी मशीन में आपसे वोट डलवाया, आपको वोट डालने के लिए कहा, आपने फॉल्टी मशीन में वोट डाला और फॉल्टी मशीन की भी गिनती करवा। जब फॉल्टी मशीन की ही गिनती हुई तो क्या हुआ, जब फॉल्टी मशीन की ही गिनती हुई तो क्या हुआ, क्विंट नाम का जो सोशल मीडिया है उसने खबर छापी, खबर में लिखा 373 लोकसभा हलकों में, लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 373, या तो ईवीएम ने ज्यादा वोट निकाले या तो कम निकाले। उदाहरण के लिए बताता हूं, मान लो लोगों ने 100 वोट डाले, मशीन ने 120 निकाले, और कहीं कहीं आपने 100 वोट डाले 80 वोट निकाले, या तो कम वोट निकाले 153 जगह कम वोट निकाले, 220 जगह ज्यादा वोट निकाले। होना यह चाहिए था जितने लोगों ने वोट डाले उतने ही निकलने चाहिए, इसका मतलब है कम निकाले तो भी दोष है, ज्यादा निकाले तो भी दोष है। अब कम निकाले इसका क्या अर्थ है, हरवाया, जो जीता हुआ था उसके वोट कम कर दिया उसको हरवा दिया। कम का मतलब यह है कि जो जीतने वाला था उसका कम कर दिया उसको हरवा दिया। ज्यादा निकाले तो जो हारने वाला था उसको ज्यादा निकाल दिया उसको जितवा दिया। तो इस तरह से ईवीएम मशीन से 220 जगह ज्यादा वोट निकले, 153 जगह कम वोट निकले, क्विंट के सोशल मीडिया में खबर छापी। केवल इतना ही नहीं हुआ, क्विंट के पत्रकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कमिश्नर साहब ये ऐसा हुआ है इसका क्या जवाब है, कम और ज्यादा वोट निकले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया और कहा कलेक्टरों ने सारे देश भर के हमारे पास जो डाटा भेजा वो डाटा हम चुनाव आयोग के साइट पर धीरे धीरे लोड कर रहे हैं, जो डाटा भेजा उन्होंने वो डाटा हम धीरे धीरे लोड कर रहे हैं। लोड करने की वजह से धीरे धीरे लोड करने की वजह से क्या हुआ, ऐसा हुआ है। क्विंट के पत्रकारों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा चलो आपकी की बात मान लेते हैं, जो आप कह रहे हैं आपकी की बात मान लेते हैं कि आप धीरे धीरे डाटा डाल रहे हैं, अगर धीरे धीरे डाटा डाल रहे हैं तो वोट कम निकलने चाहिए, 220 जगह ज्यादा कैसे निकले।
आप बोल रहे हैं कि वोट हम लोग धीरे धीरे लोड कर रहे हैं, तो वोट कम निकलने चाहिए, 220 जगह ज्यादा कैसे निकले? अगर आप ज्यादा तेजी से डालते, लोडिंग करते, तो ये आंकड़ा और ज्यादा निकल जाता। चुनाव आयोग के कमिश्नर के पास इसका कोई जवाब नहीं था, भूतपूर्व कमिश्नरों के पास गए, एसवाईपुरी श्री ब्रह्मा गोपाल स्वामी, उन्होंने कहा हम तो भूतपूर्व हो गए, तो रिटायर्ड हो गए, हमारे पास कोई डाटा नहीं है। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाइए, उनको ही पूछिए, उनको जवाब देना चाहिए, और जवाब भी रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, ताकि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को बरकरार रखा जा सके। जब भूतपूर्व कमिश्नर एसवाई कुरेशी ने कहा, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरुण अरोड़ा ने क्या किया जानते हो? उससे बड़ा और मामला आगे बढ़ा दिया। क्या किया? चुनाव आयोग के साइट पर जो डाटा चुनाव कमिश्नर ने डाला था, उस डाटा को डिलीट कर दिया, 100% डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया इसका मतलब है डाटा छुपाने का काम किया। डाटा छुपाने का काम किया इसका मतलब यह है कि चोर को लगा, दो पत्रकारों ने हमारी चोरी पकड़ी, अगर ये डाटा ऐसे के ऐसे चुनाव आयोग के साइट पर रखा गया तो शायद लाखों लोग सारे देश भर के हमारी चोरी पकड़ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो सारे देश भर में हंगामा हो जाएगा। उन्होंने इसको छुपाने के लिए डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद चुनाव आयोग के कमीशन से उससे भी आगे और भयंकर काम किया गया। उन्होंने एक सीक्रेट मैसेज सारे देश के अधिकारियों को भेजा, और उस सीक्रेट मैसेज में क्या कहा? सीक्रेट मैसेज में कहा ये डाटा मिल नहीं रहा, ये डाटा मिल नहीं रहा है, लोग कह रहे घोटाला हो गया है, मिल नहीं रहा है, आप ऐसा करो किसी तरह से इसको मिला जुला करके इधर भेज दो, एक हफ्ते में 30 मई तक भेज दो। ये सीक्रेट मैसेज की कॉपी मेरे पास है, जैसे भारत सरकार की सीआईडी होती है, हमारी भी सीआईडी काम कर रही है, उस हमारे पास वो सीक्रेट मैसेज का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभी सुप्रीम कोर्ट के पास जमा किया जाएगा। इस एविडेंस के आधार पर यह सिद्ध होता है कि चुनाव आयोग 200% घोटाले में शामिल है, अप्रूव हो जाता है, और ये सारा सबूत अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। ये लड़ाई है, जंग है, इसको लड़ना पड़ेगा साथियों। उसके बाद पिंड के सोशल मीडिया ने दूसरा सवाल पूछा, वो उससे ज्यादा भयंकर मामला था। उन्होंने कहा एक जो आरटीआई का कार्यकर्ता है, पत्रकार है, उसने ईवीएम मशीन बनाने वाली कंपनी को लेटर लिखा आरटीआई का, कितनी ईवीएम मशीन आपने चुनाव आयोग को दी? कंपनी ने लिख कर दिया 40 लाख। बाद में आपके पास मशीनें कितनी है? चुनाव आयोग ने लिख कर दिया 20 लाख। फैक्ट्री कह रही है 40 लाख, चुनाव आयोग कह रहा है 20 लाख। तो पत्रकार को समझ में आया 20 लाख मशीन गायब है। उसने गायब का वीडियो तैयार किया और कहा कि जो मशीनें ईवीएम मशीनें चुनाव आयोग के पास है उस पर चुनाव होने वाला नहीं है, जो मशीनें गायब है उस पर चुनाव होने वाला है। वायरल हो गया, चुनाव कमिश्नर को मालूम हो गया, उसको लगा कोई आदमी ये बात सुप्रीम कोर्ट में लेकर ले जाकर चुनाव को स्थगित करने की मांग कर सकता है, इसलिए चुनाव कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव में जो ईवीएम मशीनें ट्रांसपोर्टिंग में लाई और ले जाई जाएगी, लाने ले जाने का जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है उसमें जीपीएस ट्रैक सिस्टम लगाया जाएगा। ट्रैक सिस्टम का मतलब यह है कि मशीन कहां से लाई जा रही है, मशीन कहां से आ रही है, मशीन कहां जा रही है, इसको ट्रैक करने का सिस्टम लगाया जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने घोषित किया। घोषित करने के बाद क्विंट के पत्रकारों ने कहा
जीपीएस ट्रैक सिस्टम का रिकॉर्ड आरटीआई कानून के तहत हमें दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगा तो सारे देश भर में साला घोटाला हुआ, ईवीएम मशीन लाने ले जाने में तो ये सारा घोटाला हुआ। अगर ये सारा जीपीएस ट्रैक सिस्टम दे दिया जाए तो सारे देश में घोटाला हुआ, ये सारा का सारा एविडेंस मिल जाएगा। और अगर कि चुनाव रद्द कर दिया जाए, और अगर चुनाव रद्द हो गया सारे एविडेंस देने के बाद तो हो ही जाएगा, तो सारे दुनिया में बदनामी होगी, चुनाव आयोग पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा और चुनाव कमिश्नरों को फांसी की सजा का सामना करना पड़ेगा। मामला बहुत खतरनाक। चुनाव आयोग ने, कमिश्नर ने जीपीएस ट्रैक सिस्टम होने के बावजूद भी, कानून होने के बावजूद भी देने से इनकार कर दिया, तो अभी मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंगाया जाएगा। परिस्थितियां जटिल है। अभी आप लोगों को देश भर में चुनाव कैसे हुए उसके कुछ नमूने बताता हूं। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में अफजाल अंसारी ने जो मशीनें गायब थी उसका ट्रक पकड़ा। ट्रक पकड़ने के बाद में उसने जब तक काउंटिंग पूरी नहीं हुई तब तक ट्रक को नहीं छोड़ा, हुआ हथियार बंदस्ता था। जब काउंटिंग पूरी हो गई अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए। अगर वो ट्रक काउंटिंग सेंटर तक जाने दिया गया होता तो चुनाव हार गया होता। बीएसपी का एक कैंडिडेट 185 वोटों से जीत गया। जीतने के बाद वो ढोल धमाका बजाने के लिए कलेक्टर ऑफिस से बाहर आ गया। इतने में कलेक्टर ने हारे हुए को सर्टिफिकेट दे दिया कि तू जीत गया। ढोल धमाका बजाने के बाद वो गया कि मुझे ऐसे पता चला आपने हारे हुए को सर्टिफिकेट दे दिया। कहा कि हां आपको ऑब्जेक्शन है? कहा है, जाओ हाईकोर्ट जाओ। हाईकोर्ट कब फैसला देगा? अगला चुनाव आ जाएगा 2024 तक, तब तक कोई फैसला होने वाला नहीं, क्योंकि वहां भी कौन लोग बैठे हुए, वही लोग बैठे हुए। तो इस तरह से साथियों, एक अफजाल अंसारी का उत्तर प्रदेश का, दूसरा, तीसरा है सुरेंद्र सिंह बिहार का, 1700 वोटों से चुनाव जीत गया ईवीएम से। कलेक्टर ने 15,000 पोस्टल बैलेट लाया, हरवा दिया। मैंने, सुरेंद्र ने मुझे टेलीफोन किया, मैंने कहा मुझे क्यों किया? तेजस्वी प्रसाद जो लालू का बेटा है उसको क्यों नहीं किया? कहा कि उसने कहा कि अब हो गया है चुनाव, अब क्या करना है। मैंने कहा तुमको पता है वो ऐसा क्यों कह रहा है? कि नरेंद्र मोदी ने उसको कहा होगा कि अब्बा अंदर है, तुम जाना चाहते हो तो ईवीएम के विरोध में बोलो, अब्बा के पास तेरे को भी भेज देते। तो उसने बोलना बंद कर दिया, कहा कि ठीक है मगर आपकी मदद चाहिए, पार्टी उसकी और मदद मेरे पास मांग रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुमको मदद कर देते। मैंने कहा पहले ये बताओ कि जो 15,000 पोस्टल बैलेट के वोट है उसमें तुमको कितने पड़े? कहा जीरो। अच्छा जीतने वालों को कितने मिले? कहा 100%। ऐसे कैसे हो सकता है पोस्टल बैलेट 100% जीतने वालों को पड़ेंगे, हारने वालों को जीरो कैसे पड़ेंगे? तो ये सारा खेल किस तरह से चल रहा है आपको मालूम हो इसलिए बता रहा। चौथी केस, नितिन गडकरी जो प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट था नरेंद्र मोदी के अलावा, उसने वहां पर नाना पटोले नाम का बैकवर्ड क्लास का आदमी चुनाव लड़ रहा था। उसके पास एक डिवाइस था, उस डिवाइस में कौन से ईवीएम मशीन में वोट वोटर्स ने डाले हैं उसके सीरियल नंबर थे। जब काउंटिंग शुरू हुई तो वो सीरियल नंबर की मशीनें गायब थी, और जिन मशीनों पर काउंटिंग हो रही थी वो सारे सीरियल नंबर नए थे। इसका मतलब यह है कि जो गायब हुई वाली जो मशीनें थी वो सारी की सारी काउंटिंग में लाई गई थी। उसने कलेक्टर से झगड़ा किया, कलेक्टर ने नहीं माना क्योंकि कलेक्टर तो ऊपर के आदेश पर काम कर रहा था, और इस तरह से कलेक्टर ने नहीं माना, वो हाईकोर्ट गया, नागपुर हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में जाने के पहले कांग्रेस वालों को पूछा जाऊं क्या? कांग्रेस वालों ने कहा मत जाना। तो उसने मुझे पूछा कि कांग्रेस वाले मुझे हारने के बाद जाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा तुमको मालूम नहीं हो तो मुझे मालूम है।
कि 2004-2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता। जीतने का दस्तावेजी सबूत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने आरएसएस के हेडक्वार्टर को दिया। आरएसएस के हेडक्वार्टर को जब मालूम हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 2013 में। मनमोहन सिंह को जब नोटिस इश्यू हुआ, मनमोहन सिंह में हड़कंप मच गई। सोनिया और मनमोहन सिंह ने आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाकर आरएसएस को कहा कि हमें पता चला है, सीआईडी ने, सीबीआई ने बताया है, आईबी ने बताया है। ये क्या बताया? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, हमने घोटाला किया, उसके सारे सबूत आपको दिए। कहा कि हां दिए। तो इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं, जब आपको मालूम ही हो गया है कि हमने घोटाला करके चुनाव जीता, तो हम भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। 4 और 9 में हमने घोटाला करके चुनाव जीता। अब हमारा यह कहना है कि अडवाणी जी रथ यात्रा इसके विरोध में निकाल रहे हैं, उनको रोको। आरएसएस ने कहा रोकेंगे, हमारा क्या फायदा होगा? तो कांग्रेस ने कहा 2014 का चुनाव घोटाला करके आप जीतो, सरकार हमारी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने बनाया है, सारे देश भर में आपको मदद करेंगे। आरएसएस ने कहा आपने 2 बार घोटाला किया और आप हमको एक कई बार घोटाला करने की बात कर रहे हैं, ये बराबरी का सौदा नहीं। कांग्रेस ने कहा कि क्या आप भी 2 बार करना चाहते हैं? तो आरएसएस ने कहा हम तो 1925 को हमारा संगठन बना, आपका संगठन 1885 को बना, तो आप तो सीनियर है, आप जानते हैं कैसा होना चाहिए। अच्छा, तो कांग्रेस ने कहा चलो आप भी 2 बार कर लेना, 2014-2019 में आप भी कर लेना। 4 और 9 में हमने घोटाला किया, आप चुप रहना। 14 और 19 को हम घोटाला करेंगे, आप चुप रहना। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, चिड़ी चुप। सोनिया नहीं बोल रही, मनमोहन सिंह नहीं बोल रहा है। राहुल गांधी को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर समझौता किया गया था, तो राहुल गांधी ने सोनिया और मनमोहन को कहा कि तुमने बताया नहीं और फिर मुझे अध्यक्ष बलि का बकरा बनाने के लिए बनाया, तुम मैं नहीं रहना चाहता हूं। उसने इस्तीफा दे दिया, वो भी नहीं बोल रहा है, बोलते मैं तो अभी अध्यक्ष हूं ही नहीं तो बोलूंगा कैसे। तो इस तरह से ईवीएम की वजह से राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, और इस तरह से कोई कांग्रेस वाला नहीं बोल रहा है। तो नाना पटोले को उन्होंने रोका, कांग्रेस वालों ने रोका, इसलिए रोका क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा सौदा है, चुप रहना होगा। साथियों, इस तरह से इन लोगों ने, ये जो आज का संकट है, ईवीएम का संकट है, ये सारा संकट कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर भारत पर थोपा हुआ है। भारत में एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या है नक्सलवाद की, कांग्रेस ने पैदा की। भूखमरी कांग्रेस ने पैदा की। सर्वाधिक भ्रष्टाचार कांग्रेस ने पैदा किया। तो ये जो बड़ी बड़ी राष्ट्रवादी आतंकवाद की समस्या कांग्रेस ने पैदा की, ये 4 नेशनल लेवल की बड़ी बड़ी समस्याएं, राष्ट्रीय समस्याएं कांग्रेस ने पैदा की। ईवीएम की 5वीं समस्या भी कांग्रेस ने पैदा की। कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस ये मिलकर ये कर रहे हैं। अगर मेन अपोजिशन पार्टी अगर ईवीएम के विरोध में होती और पार्लियामेंट में हंगामा करती, ईवीएम को ज्यादा देर नहीं चलाया जा सकता। अगर मेन अपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट में हंगामा करती, कांग्रेस इस षड्यंत्र में शामिल है, इस बात को समझना जरूरी है। और इसके पीछे षड्यंत्र यह है कि रीजनल पार्टियों को समाप्त किया जाए। मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं, महाराष्ट्र में मन से राज ठाकरे की पार्टी जीरो हो गई, लालू प्रसाद की पार्टी बिहार में जीरो हो गई, पिछले बार मायावती की पार्टी जीरो हो गई। तो रीजनल पार्टियों को जीरो बनाने का कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस के बीच में समझौता है। समझौता यह है कि जब ये पार्टियां, रीजनल पार्टियां जीरो हो जाएगी, तो देश में 2 ही पार्टियां रहेगी, या तो कांग्रेस रहेगी या तो बीजेपी रहेगी, बीजेपी रहेगी या तो कांग्रेस रहेगी, कांग्रेस 10 साल रहेगी तो बीजेपी 10 साल रहेगी। इस तरह का प्लान बनाकर ये सारा का सारा षड्यंत्र किया गया है। साथियों, ये बहुत भयंकर बात है। पानी सर से ऊपर बह रहा है,
64 आईएएस ऑफिसर्स लोगों ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा, ये 64 आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर्स लोगों का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उन्होंने 6 पेज का लेटर चुनाव आयोग को लिखा, सबसे ज्यादा भ्रष्ट चुनाव था। और जो लेटर लिखा उसका एक भी जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। 83 मिलिट्री अधिकारियों ने उसका समर्थन किया, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, 83 अधिकारियों ने। ऐसी स्थिति में देश में ऐसे कहा जा सकता है कि बीजेपी की 5 साल की सरकार 5 साल रहेगी, इसके बारे में मुझे आशंका है। ये 5 साल चलेगी क्योंकि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 72 में, तो इंदिरा गांधी ने 368 सीटें जीती थी 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा, फिर भी इंदिरा गांधी की सरकार स्टेबल नहीं हुई थी। नरेंद्र मोदी के पास तो 303 है, ये सरकार 368 की नहीं चली तो 303 की कैसे चलेगी। ये देश में सारे अपोजिशन पार्टी के लोग इकट्ठा होकर ये आंदोलन आने वाले समय में चलाया जा सकता है, चलेगा। और जब ये चलेगा तो इस देश में जन आंदोलन का निर्माण होगा, और जब जन आंदोलन का निर्माण होगा तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ईवीएम का खात्मा करने के बाद ही आंदोलन समाप्त हो सकता है। इस आंदोलन में आने वाले समय में आप लोगों को भी इस आंदोलन में सहभागी होना होगा, क्योंकि ईवीएम ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। लोकतंत्र की हत्या होने की वजह से संविधान की भी हत्या हो गई है। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें राष्ट्रव्यापी आंदोलन में सहभागी होना होगा। इस आशा और विश्वास के साथ कि आप इस आंदोलन में सहभागी होंगे, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।